तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग टॉपिक बने वाले हैं व्हाट इज दैट इज वाउचिंग। तो मैंने वाउचिंग के बारे में आपको पहले क्लास में ले लिया था, ये सेकंड क्लास वाउचिंग का है। तो वाउचिंग का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो वाउचिंग होता क्या है? वाउचिंग होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और एविडेंस बाय द ऑडिटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बेसिक जो है क्या होता है, एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। पहले क्या था, जर्नल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट एंट्री, फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग का क्या है, दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्या हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसको हमको चेक करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी सेल्स किया या परचेज किया, तो हम लोग जर्नल एंट्री हुआ कि नहीं उसका, फिर जर्नल होने के बाद परचेज बुक या सेल्स बुक में एंट्री होगा, दैट इज लेजर पोस्टिंग, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, पार्टिकुलर लेजर का जो ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में आ गया और उसको एडजस्टमेंट एंट्री होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सैलरी वेजेस है या प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट हुआ है या आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसका एंट्री होगा, फिर एडजस्टमेंट करेंगे तो पीएल बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट में आप उसको लेके जाएंगे। सो ये हो गया अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो ऑडिटर का काम क्या है, उसको चेक करना। सो वाउचिंग इज ए टोटल प्रोसेस फॉर एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट और एविडेंस वेदर इट हैज बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली और नो, एंड ऑडिटर हैज टू गिव द ओपिनियन। ठीक है, सो अब हम लोग मीनिंग देखते हैं। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग, इट इज ए एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट और एविडेंस इन ऑर्डर टू एसर्टेन द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कॉल्ड वाउचिंग। प्रॉपरली और करेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, एंट्री किया है या नहीं किया गया है, उसको चेक करना है, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। समझ में आया? तो वाउचिंग इज ए नथिंग बट द एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट और एविडेंस, हाँ, एसर्टेन द एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन अदर वर्ड, वाउचिंग मीन्स ए केयरफुली एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल एविडेंस और इनवॉइस और स्टेटमेंट और रिसिप्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग मिनट्स और कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको एग्जामिन करना। जैसे आप सेल्स किए, तो सेल्स करेंगे तो क्या, सेल्स का आप सेल्स ऑर्डर इशू करेंगे, फिर इनवॉइस इशू होगा, फिर आपका गेट पास इशू होगा, और सेल्स अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है तो कितना क्वांटिटी सेल्स का, रेट कितना है, जीएसटी लगा नहीं लगा, उसको चेक करना। हर एक ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली चेक करना, महीना का कितना सेल्स है, तो हाफ ईयरली अगर क्वार्टरली ऑडिट कर रहे हैं या हाफ ईयरली ऑडिट कर रहे हैं कितना सेल्स हुआ, तो उसको इंडिविजुअली एग्जामिन करना, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको चेक करना। इन द व्यू ऑफ एसर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपरली अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए और एरर और फ्रॉड नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी एरर और फ्रॉड और ओमिशन। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, मेन ऑब्जेक्टिव वाउचर का क्या है, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले क्या होगा, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी केयरफुली एग्जामिन, एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट हैज टू बी केयरफुली एग्जामिन, देन देयर विल बी एनी एरर एंड फ्रॉड दैट हैज टू बी ओमिटेड और दैट हैज टू बी चेक। कोई एरर या फ्रॉड नहीं हुआ तो, कोई एडिशन में गलती नहीं हुआ, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं हुआ, उसको चेक करना, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है उसको वेरीफाई करना, और चेक वेदर प्रॉपरली अकाउंटिंग हैज बीन मेड और नो द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। देन कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका ऑथेंटिसिटी कि सही या गलत है उसको लेना चाहिए या लेना, पर्सनल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल हुआ कोई ओनर का तो, या कोई डायरेक्टर का, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, नहीं, क्योंकि वो पर्सनल बिजनेस का रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है,
बिजनेस का जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वही बुक्स ऑफ अकाउंट पे आएगा। तो ऑडिटर क्या है, इसको चेक करना, इसको एग्जामिन करना। तो देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, टू चेक व्हेदर ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शन जितना है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नो। सेकेंड, टू सी व्हेदर रिकॉर्ड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आर ड्यूली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट और एविडेंस और नो। जो भी डॉक्यूमेंट है आप परचेज किए तो परचेज करेंगे तो सेल्स परचेज का जो इनवॉइस है कि नहीं, परचेज का कोटेशन दिए होंगे, कोटेशन का पेपर है कि नहीं, टेंडर है तो टेंडर का पेपर है कि नहीं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है, तो फॉर एग्जांपल आपका प्राइस एस्कलेशन का क्लॉजेस है कि नहीं, लिक्विडिटी डैमेज का क्लॉज है कि नहीं, और जो डिटेल ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको चेक करना। सो दैट इज कॉल्ड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक, टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट एविडेंस, टू वेरीफाई द ऑल द डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑथेंटिकेटेड एंड रिलेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली। आपको देखना होगा जो भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का होना चाहिए, एक ही पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है कि रिकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। देन एग्जामिन वेरीफाई व्हेदर ट्रांजेक्शन आर फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड। जैसे कैलकुलेशन चेक करना है आपको कि सभी डेफिनेशन कैलकुलेशन स्टेट लाइनमेशन WDV मेथड सो करेक्टली चेक होना चाहिए। और सेल्स का है तो मंथली एडिशन ठीक हुआ का नहीं, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है। देन वेरीफाई व्हेदर वाउचर आर प्रोसेस्ड थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। मतलब इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, ये टोटल प्रोसेस जो है कि जैसे बैंक आप देखे होंगे, बैंक में हर एक स्टाफ रहता है, हर एक स्टाफ का जो है कि इंडिविजुअली वो चेक हो जाता है ट्रांजेक्शन कि पहले जो हो गया, एक फॉर एग्जांपल आप कैश डिपॉजिट किए तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में गया, थर्ड प्रोसेस गया, तो वो इंटरनल चेक सिस्टम है। तो इंटरनल चेक सिस्टम जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा नहीं कर रहा उसको चेक करना। तो वेरीफाई कन्फर्म द एंट्री रिकॉर्डेड इन कैपिटल और मिनिमम एक्सपेंडिचर आर सेपरेटली। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको सेपरेट एंट्री करना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको सेपरेट एंट्री करना है। जैसे हो गया कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल नहीं कर देना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे आप एसेट खरीदते दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चा जो होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेंट ये सब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन चेक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, प्रॉपरली अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ डू यू वाउचिंग, डू द वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन का कैसे वाउचिंग करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो पर्टिकुलरली कोई कंपनी में कैश ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसको कैसे वाउचिंग करेंगे और कैसे आप लोग ऑडिट करेंगे। तो वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इज फेयरली मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन एवरी बिजनेस और इट इज डिपेंड ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे कंपनी में जो होता है कैश ट्रांजेक्शन होता है, बैंक ट्रांजेक्शन होता है, उसको एग्जामिन करना बहुत ही हर्डल्स है और डिफिकल्ट टास्क है, बट इट डिपेंड ऑन द साइज। जैसे अमेजन में लाखों करोड़ों का सेल्स होता है पर डे, ठीक है। तो अगर कैश में होता तो कितना डिफिकल्ट होता है, अब बैंक भी अगर कैश और बैंक आप बोल सकते हो, बैंक में होगा तो उसको एग्जामिन करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो बिफोर सेटिंग द प्रोग्राम वाउचिंग कैश बुक ऑडिटर हैज टू एग्जामिन द केयरफुल होल्ड द सिस्टम इंटरनल चेक ऑपरेटिंग फॉर रेस्पेक्टिव कैश ट्रांजेक्शन। इंटरनल चेक सिस्टम कैश रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए सही है कि नहीं उसको चेक करना है। देन ओपनिंग बैलेंस चेक करना, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है इस साल का ओपनिंग होगा तो ऑडिटर उसको वेरीफाई किया होगा वही इसको लेना है। तो कंपेयरिंग द बैलेंस शोइंग इन द ड्यूली ऑडिटेड बैलेंस शीट, लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था या लास्ट ऑडिटर बैलेंस शीट है उसका क्लोजिंग बिकम द ओपनिंग, एक्चुअल द बैलेंस हैज बीन ब्रॉट डाउन इस लास्ट क्लोजिंग द इस बार ओपनिंग होना चाहिए। देन कैश और बैंक सेल्स, कैश और बैंक सेल्स, तो चेक काउंटर फाइल ऑफ द कैश सेल्स और सेल्स बुक
विद द सेल्समैन एब्स्ट्रैक्ट। जो आप सेल्समैन को सपोज एक 5-10 आदमी जो है आपको सेल्स किया है, तो सेल्समैन का जो आप रसीद दिए होंगे उस और आपका काउंटर फाइल जो है आपका सेल्स का कैश बुक के साथ मैच होना चाहिए, उसको चेक करना। कंपेयर डेली टोटल रिसीविंग आप कैशियर और कैश मेमो बुक विथ कॉरेस्पॉन्डेंट एंट्री इन द कैश बुक। कैश बुक में जितना एंट्री होगा और उतना का कैश फाइल जो है काउंटर फाइल होना चाहिए और कैश मेमो होना चाहिए। इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ सेल्स, आपका जो इंटरनल चेक सिस्टम है कैसे सेल्स को चेक करना है इंडिपेंडेंटली, उसको एग्जामिन करना। देन प्रैक्टिस अलाउ फॉलो विथ रिगार्ड टू द रिसीव थ्रू द चेक। जो भी आप कैश रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू में, तो कौन पार्टी से रिसीव किए, कौन सा बैंक से रिसीव किए, उसका डिटेल होना चाहिए, कौन कौन से डेट में रिसीव किए। अगर डिस्काउंट अलाउ हुआ तो डिस्काउंट का उसको चेक करना, वेदर डिस्काउंट अलाउ इन द ऑर्डर पर्टिकुलर। अगर सेल्स ऑर्डर में आप जो है जब सेल्स करेंगे डिस्काउंट है कि नहीं, वो एग्रीमेंट के साथ आपको चेक करना है, वेदर इन द एग्रीमेंट डिस्काउंट इज अलाउड है, तो कितना परसेंटेज है, 5%, 10%, 20%, टाइप ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो टाइप ऑफ डिस्काउंट आपको चेक करना है। देन स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द पेड अमाउंट शोइंग इन द बैड डेप्ट। बहुत बड़ा चीज़ है बैड डेप्ट, मतलब कितना रिकवरेबल है या नॉट रिकवरेबल, मतलब बैड डेप्ट मतलब क्या है हुआ कि 100 रुपये आप किसी को देते हो पैसा दिया ही नहीं, बैड डेप्ट हो गया, डूब गया पैसा, हो गया 50% चांसेस है, 100 रुपये दे था 50 रुपये दे दिया तो डाउटफुल है वो, तो आपको उसको सेपरेट स्पेशल अटेंशन देके चेक करना है। एंड मिस अप्रोप्रिएशन और रिटर्न ऑफ होल और पार्ट ऑफ द बैलेंस, अगर कैश का मिस अप्रोप्रिएशन होगा, टोटलिंग में गलती है, क्या है, फ्रॉड है, तो उसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक जो फिक्स एसेट आप सेल किया कंपनी, तो क्या क्या आप उसमें चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए। पहले हो गया चेक द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड का पावर में है कि नहीं कोई पर्टिकुलर एसेट को बेचने के लिए, अगर है तो क्या परचेज प्रोसीजर सॉरी सेल्स प्रोसीजर और जो फिक्स एसेट का डिस्पोज प्रोसीजर है उसको देखना है, कि फॉर एग्जाम्पल 10 साल लाइफ है तो उसको कैसे बेचेंगे, तो उसका बोर्ड का पावर है कि नहीं। देन सेल्स एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसको चेक करना पड़ेगा। देन वेरिफिकेशन द एजेंट और अकाउंट ऑफ सेल्स मेड थ्रू द एजेंट, अगर सेल्स जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या एजेंट का थ्रू कर सकते हैं, तो एजेंट का थ्रू होगा तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा क्या एग्रीमेंट है एजेंट के साथ। देन प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक्स इन द रेवेन्यू अकाउंट, सपोज जितना भी है, सपोज 10 लाख का एसेट था, आप 8 लाख में बेचे तो 2 लाख लॉस हुआ, सो आपको जो है प्रॉफिट और लॉस ऑन पर्टिकुलर सेल ऑफ एसेट हैज टू बी बुक इन द रेवेन्यू अकाउंट, उसको चेक करना है। ऑथेंटिकेट द सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, ऑथराइजेशन, कौन ऑथराइज्ड है, ऑथराइज पर्सन, जैसे हो गया फाइनेंस मैनेजर हो गया या डायरेक्टर हो गया, तो डायरेक्टर या डायरेक्टर पर्सनली, डायरेक्टर टेक्निकल या आपका डायरेक्टर और GM टेक्निकल जो हो गया, वो आपको ऑथेंटिकेशन उसको करना चाहिए कि हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू डिस्पोज द एसेट। देन सेल्स प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट शुड बी क्रेडिटेड इन द एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट जो भी रिलाइज हो एसेट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। एंड सी whether द सेल्स हैज बीन ड्यूली सैंक्शन, ए प्रॉपर सैंक्शन होना चाहिए, जिसका जो पावर सब बोर्ड का पावर है तो ये सैंक्शन है कि नहीं है। और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कि नहीं इसको देखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट में हम लोग रिकॉल करते हैं, पहले क्या देख रहे हैं, किसका पावर है, बोर्ड का पावर है कि जिन किसका पावर है, तो बोर्ड का पावर देखना चाहिए, बोर्ड मीटिंग हुआ है कि नहीं, मिनट देखना है, फिर एग्रीमेंट होना है, एग्रीमेंट सेल्स का पूरा एग्रीमेंट देखना है कि कितना रेट में सेल करना है और क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, और वो आके घर से ले जाए कि आपको उसको डिलीवरी देना है,
ऑल दैट एग्रीमेंट का पेपर देखना है, उसके बाद अगर एजेंट का थ्रू करेंगे तो क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगा एजेंट का साथ, ठीक है, और फिक्स एसेट है तो आपका ऑथेंटिकेट कौन है, हु इज द पर्टिकुलर अथॉरिटी टू सेल ऑफ द एसेट, प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज होना है, उसको चेक करना है, एक्सपेंडिचर अगर कुछ हुआ है सेल्स रिलेटेड तो उसको कहाँ पर दिखाना है, उसको चेक करना है, यही होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, कोई भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किए तो उसका क्या एंट्री होगा, कैसे चेक करेंगे आप, ए रिसीव है तो डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, द अमाउंट रिसीव फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर, तो डिविडेंड वारंट लेटर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, वेरीफाई द डिविडेंड केस ऑफ डिविडेंड रिसीव थ्रू द चेक, चेक में थ्रू में रिसीव करेंगे तो कौन कंपनी का रिसीव किया है उसका डिटेल देखना है, क्रेडिट रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरिफिकेशन द बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली क्रेडिटेड इन द बैंक, अगर बैंक में डायरेक्टली डिविडेंड क्रेडिट हुआ था बैंक स्टेटमेंट से आप वेरीफाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ वाउचर ऑन शेड्यूल, सिक्योरिटी शेड्यूल, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव किए होंगे तो जो आपका रिसीव्ड हो गया उसको बैंक के थ्रू में वेरीफाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट किया होगा तो कौन सा पीरियड का इंटरेस्ट है, 3 महीना के 6 महीना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेरीफाई करना है, TDS सर्टिफिकेट वो इशू करेगा, जब इशू किया है कि नहीं किया है उसको देखना है, वेरीफाई करना है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड कंपनी, को भी आ लोन दिया कंपनी तो इंटरेस्ट रिसीव करता है तो TDS सर्टिफिकेट वगैरह चेक करना है, प्रोविजन मेड इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू, अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड है या ड्यू है तो उसका एंट्री प्रॉपरली होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होना, देन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस पेमेंट करना है कंपनी का, तो पेमेंट का टर्म क्या है वेजेस का, कि मंथली रेटेड है या डेली रेटेड है, और जब फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेजेस का ठीक है कि नहीं, पे फिक्सेशन ठीक से हुआ है कि नहीं, एक आदमी का जो पे फिक्सेशन हुआ है कि नहीं, और उसको फिक्स और वेरिएबल पे कितना है, और उसका अगर वेरिएबल पे है जैसे गवर्नमेंट कंपनी में DA होता है तो DA वेरी होता है तो रेट ऑफ DA चेक करना है, रिटर्न बेनिफिट ठीक हुआ है कि नहीं, हो सकता है कि इनकम टैक्स कटना चाहिए तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिटेक्ट द आपका इनकम टैक्स, तो उसको ठीक से काटना है इनकम टैक्स, सही से काट रहे हैं नहीं काटना है, और PF ESI जो आपका डिडक्शन स्टेट्यूट डिडक्शन सैलरी से काटना है वो चेक करना है, और पर्टिकुलर 50 TS अटेंडेंस सीट चेक करना है, प्रॉपरली अटेंडेंस में फर्स्ट अटेंडेंस है कि नहीं वो चेक करना है, लीव लिया है तो लीव को छोड़ के बैलेंस पेमेंट करना है तो लीव को चेक करना है, ये डिटेल चेक करना है आपको, और लीव एंकेसमेंट है कोई आदमी तो उसका वो एम्प्लॉई है तो उसको चेक करना है, तो देखते हैं टाइमली एट द टाइम ऑफ वाउचिंग द पेड वेजेस पेड टू ऑडिटर शुड वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स, एक्यूरेटली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है, पेमेंट ऑफ वेजेस हायर देन द रेट अलाउड, सपोज एक आदमी को 10 रुपया रेट है पर आवर, 100 रुपया पर आवर का पर आवर चेक करना है, तो ये ज़्यादा रेट पेमेंट हो गया तो उसका रेट को चेक करना है, या डेली वेजेस आपको सपोज 200 रुपया डेली वेजेस है इससे ज़्यादा पेमेंट हुआ तो उसको चेक करना है, पेमेंट शुड एक्स वर्कर द करंट मंथ, करंट मंथ का ही होना चाहिए, ये नहीं कि एरिया दिया रहे तो उसको अलग से शो करना चाहिए, नो डिडक्शन एडवांस, अगर सैलरी एडवांस दिए होंगे या ज़्यादा दिए होंगे तो उसको एडजस्ट करना है, उसको चेक करना है, पेमेंट 50 TS वर्कर्स, कोई फेक जो है ID बना के उसको पेमेंट नहीं करना है, उसको चेक करना है, वेजेस शीट कंपेयर विद द वेजेस रजिस्टर, आपका जो वेजेस रजिस्टर है एम्प्लॉय रजिस्टर के साथ वेजेस शीट को चेक करना है, वर्कर्स एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ड्यूटी कंपेयर द मंथली वेजेस वेरिफिकेशन आपको करना है, ऑर्डिनरी चेंज, फिर डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ कैजुअल वर्कर्स के लिए अलग से उसको एग्जामिन करना है, सो दिस इज ऑल अबाउट, देन इनकम टैक्स या टैक्सेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इनकम टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्सेस है, इनकम टैक्स हो गया, सेल असेसमेंट टैक्स हो गया, SSC ऑर्डर, तो GST पेमेंट हो गया, तो आपको कैसे चेक करेंगे उसको, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स कंसीडर द फॉलोइंग वेरिफिकेशन, एडवांस इनकम टैक्स चालान के साथ होगा,
फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स और चालान दिख लेना है, इनकम टैक्स डिमांड नोटिस है या असेसमेंट ऑर्डर है तो ऑन द बेसिस है। रेगुलरली इनकम टैक्स पेमेंट ओवर एम्प्लॉय का है तो कौन सा सेक्शन में 92 बी का है या 194 सी का है। तो इनकम टैक्स कौन सा सेक्शन, प्रोफेशनल टैक्स का अलग रेट है तो रेट ऑफ टैक्स आपको चेक करना है इनकम टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो क्वार्टरली होना चाहिए रिटर्न, उसका टैक्स को चेक करना है। फिर रिटर्न प्रॉपरली भरा है, ड्यू ड्यू में रिटर्न भरे हैं कि नहीं है, ऑडिट हो रहा है कि नहीं, सब जीएसटी का पेमेंट करता है, रेट ऑफ जीएसटी क्या होना चाहिए, चालान हो गया, पेमेंट हो गया उसका चालान के साथ एक्चुअल पेमेंट हो गया, ड्यू डेट मैच कर, इंटरेस्ट अगर हुआ तो पेनल्टी हुआ है तो उसको वेरीफाई करना है। आईटीसी रिकंसिलेशन जीएसटी में मेन बहुत मजा बड़ा चीज़ है आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको बोला जाता है। लेकिन आपका सेल्स का ट्रांजेक्शन के साथ बुक्स ऑफ का ट्रांजेक्शन मैच करना है। दीज आर द ऑल अबाउट द टैक्स वाउचिंग ऑफ टैक्स। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस अबाउट द वाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं तो बहुत फास्ट गया, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ गो थ्रू द डिटेल वीडियोस। मेरा और भी वीडियो है वाउचिंग वेरीफिकेशन का, उसको आप देख सकते हैं, और जो कि मैं शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।